Assalamu alaikum students, today we shall discuss Urdu translation of William Henry Perkin. This is book 9, test 1, section 1. Okay, let's start. William Henry Perkin ek scientist hai aur uski biography discuss ki gayi hai ki uski kya achievements thi. So, the man who invented synthetic dyes. इसने सिंथेटिक जो कलर्स करते हैं ना हम डिफरेंट फैब्रिक्स के ऊपर कपड़ों वगैरह के ऊपर या इस तरह के कलर्स इसने फर्स्ट टाइम जो है ना वो ईजाद किए. अच्छा जी, विलियम हेनरी पर्किन वाज बॉर्न ऑन मार्च 12 1838 1836 में लंदन में इसकी पैदाइश हुई इंग्लैंड के अंदर. और जब ये बिल्कुल बच्चा था तो उसकी जो क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी होता है इश्तियाक होना किसी चीज़ का, किसी चीज़ को जानने के लिए बेताब होना जी, प्रॉम्प्टेड अर्ली इंटरेस्ट इन आर्ट्स. शुरू शुरू में आर्ट्स में, साइंस में, फोटोग्राफी और इंजीनियरिंग में उसका इंटरेस्ट था. लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया और उसके बाद वो उसका जो इंटरेस्ट है ख़ास तौर पे जो उसके एक ग्रैंडफादर हैं, उसके ग्रैंडफादर की घर में लेबॉर्टरी थी, उसकी वजह से केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया. तो इस पैराग्राफ में यही बताया गया कि वो 1838 में पैदा हुआ और उसका जो लेटेस्ट मतलब लेटर ऑन उसका जो इंटरेस्ट था वो डेवलप हुआ केमिस्ट्री में अपने ग्रैंडफादर की लेबॉर्ट्री की वजह से. नीचे हम आते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो वही कहता है कि दूसरे पैराग्राफ में ये लिखते हैं कि इट इज रिटन दैट एज अ स्टूडेंट एट द सिटी ऑफ लंदन स्कूल, लंदन सिटी ऑफ लंदन स्कूल के अंदर वो स्टूडेंट था जहाँ पे उसने बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में जो है ना वो इन्वॉल्व हुआ और उसमें बहुत ज्यादा उसने इंटरेस्ट शो किया और उसका जो टैलेंट था और डिवोशन था कि केमिस्ट्री के अंदर इस सब्जेक्ट में उसके एक टीचर ने उसको पहचाना. उसका नाम थॉमस हॉल था और उसने ये कहा कि जी आप जाके एक एमिनेंट साइंटिस्ट, मशहूर साइंसदान है माइकल फैराडे, उसके लेक्चर लें रॉयल इंस्टीट्यूशन के अंदर. अब ये जो साइंटिस्ट था जो कि रॉयल इंस्टीट्यूशन के अंदर लेक्चर्स देता था, इसकी स्पीचेस की वजह से उसका शौक और भड़क गया और उसके बाद वो रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री में कामयाब हुआ दाखला लेने में 1853 के अंदर. अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है ये स्पीचेस से मुतल्लिक, वहां पे आपने देखना है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के अंदर. और यानी इस पैराग्राफ में, ये पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर दो क्वेश्चंस आपने इसके आंसर देने हैं. एट द टाइम ऑफ पर्किंस एनरोलमेंट, जब वो एनरोलमेंट कर रहा था रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री को, हेड कर रहे थे एक जर्मन केमिस्ट थे ऑगस्ट विलियम हॉफमैन. और जो पर्किन के जो साइंटिफिक गिफ्ट थे यानी कि उसकी अचीवमेंट्स थी या उसका जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था या बहुत टैलेंटेड था, वो हॉफमैन ने उसको उसकी टेंशन ले. और उसके बाद ये हुआ कि कुछ अरसा गुजरा, जो पर्किन था वो हॉफमैन का सबसे कम उम्र जो सा जहीन शागिर्द और उसका असिस्टेंट बन गया जी. यहाँ पे भी क्वेश्चन है, आपने करना है इसको आंसर देना कि हॉफमैन जो है वो पर्किन का असिस्टेंट बन गया या पर्किन हॉफमैन का असिस्टेंट बन गया, इससे मुतल्लिक है ये थर्ड पैराग्राफ के अंदर. फोर्थ पैराग्राफ में आते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि जब कुनीन इजाद हुई तो कुनीन मलेरिया की जो सी थी एक वायबल ट्रीटमेंट थी और वो एक दरख्त की छाल से ली जाती है जिसे सिंचोना ट्री कहते हैं. और ये जो दरख्त है इसका जो आबाई एरिया है वो साउथ अमेरिका है. 1856 के अंदर जो ड्रग की डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, बीमार होते थे लोग और उसकी वजह से क्या हुआ कि हॉफमैन ने ये कहा कि एक काम करो कि एक ना कोनीन का सब्सटीट्यूट बनाओ, यानी कि जिस जो जैसे उसके अंदर चीजें मौजूद है वैसी आपने डेवलप करनी है. तो ये एक चैलेंज था और सबसे पहले इस चैलेंज को कबूल किया उसके जो यंगेस्ट जो स्टार पीपल था, उसने जो असिस्टेंट था विलियम हेनरी पर्किंग ने, उसने कहा जी मैं कोशिश करूंगा. गर्मियों की छुट्टियां हुई 1856 के अंदर, पर्किंग ने अपना टाइम स्पेंड किया लेबॉर्ट्री में, जो लेबॉर्ट्री उसकी फैमिली के टॉप फ्लोर के ऊपर होती थी. उसने कोशिश ये की कि बनाए कुनीन से एनिलाइन, एनिलाइन से कुनीन बनाए, एक मटीरियल है केमिकल सब्सटेंस है एनिलाइन, उससे कुनीन बनाए. वो इतना ज्यादा महंगा नहीं था, इजीली अवेलेबल होता था, उसने कहा जी मैं बनाता हूँ इससे. बहुत ज्यादा कोशिश के बावजूद वो इसमें कामयाब तो नहीं हो सका, लेकिन उसने एक अजीब सा डार्क स्लज पैदा किया, एक मटेरियल पैदा किया. और उसके बाद ये हुआ कि
वो जहीन था काफी ज्यादा, और उसने क्या किया कि उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसमें पोटाशियम डाइक्रोमेट डाला उस जो स्लज में, जो गाढ़ा मादा था उसके अंदर, और अल्कोहल भी डाला, और उसके बाद मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर और उसने एक्सपेरिमेंट किए, आखिर में उसे ये पता कि एक डीप पर्पल सॉल्यूशन बन गया। और अब उसमें आगे लुईस पास्चर का एक कोटेशन उन्होंने डिस्कस की हुई है कि चांस फेवर्स ओनली प्रिपेयर्ड माइंड। तो अब वो चूंकि जहीन था, उसको चीजों की अंडरस्टैंडिंग थी वहां पे, तो उसने क्या किया, उसने कहा ये जो पर्पल सॉल्यूशन बना है इसका लाजमी कोई ना कोई इसका काम जो सा वो हो सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं, नेक्स्ट पेज के अंदर। यहाँ पे भी एक दो क्वेश्चन है जो बिल्कुल मैंने भी पैराग्राफ पढ़ा है। वो कहता है हिस्टोरिकली, अच्छा ये जो जो आप पढ़ते जा रहे हैं या मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए, ताकि आप उसके बाद आंसर्स को रिस्पॉन्ड कर सकें, आप ना हर पैराग्राफ के आखिर में छोटे से कमेंट्स लिख लें अपनी लैंग्वेज में, उर्दू इंग्लिश में हिंदी में, आप कहीं पे इसके साइड पे कमेंट्स लिख लें, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इस पैराग्राफ में क्या चीजें डिस्कस की गई हैं। अच्छा, हिस्टोरिकली टेक्सटाइल डाइज वर मेड फ्रॉम सच नेचुरल रिसोर्सेज सच एज प्लांट्स एंड एनिमल एक्सक्रीशन। शुरू में जो डाइज बनाए जाते थे वो बड़े नेचुरल सोर्सेज जैसे प्लांट से, पौधों से, और या एनिमल के एक्सक्रीशन से बनाए जाते थे, यानी जानदारों में से निकाले जाते थे। और इसमें से कुछ ऐसे थे जो कि ग्लैंड्यूलर म्यूकस ऑफ स्नेल्स, स्नेल्स के म्यूकस से बनाए जाते थे, और बड़ा मुश्किल होता था कि, और आउटरेजियसली एक्सपेंसिव। आउटरेजियसली वर्ड लिखे, आउटरेजियसली ब्यूटीफुल भी होता है, आउटरेजियसली एक्सपेंसिव भी होता है, इसको डिफरेंट एज अ फ्रेज आप यूज कर सकते हैं अपनी राइटिंग के अंदर। तो बहुत ज्यादा महंगे थे, यानी उन दिनों में जो कि डाइज बनाए जाते थे टेक्सटाइल के लिए, वो तो या पौधों से या जानवरों की एक्सक्रीशन से निकलते थे जो बड़े महंगे होते थे। इसके बाद पर्पल जो कलर है जो स्नेल में से एक्सट्रैक्ट किया जाता था वो बहुत ज्यादा महंगा होता था, और सिर्फ अमीर, द रिच कुड अफोर्ड इट। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन का आंसर है, इसको देखिएगा। उसके बाद फर्दर नेचुरल डाइज टेंडेड टू बी मडी एंड इन ह्यू एंड फेड, और वो जो उनसे नेचुरल डाइज होते थे बड़ी जल्दी वो खराब हो जाते थे और फेड हो जाते थे। इट वॉज अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप दैट पर्किंस डिस्कवरी वॉज मेड। अब ये उसके कॉन्टेक्स्ट में था, यानी उसके सियाको सुबाक में, उसके बैकड्रॉप में था, यानी कि ये नीच थी मार्केट के अंदर, उसकी जरूरत थी कि जो कि डिस्कवरी जो थी परकिन ने की थी। परकिन ने अंडरस्टैंड कर लिया कि जो पर्पल सॉल्यूशन है वो कलर करने में इस्तेमाल हो सकता है फैब्रिक के अंदर, और इस तरीके से उसने दुनिया में सबसे पहला सिंथेटिक केमिकल डाई बनाया। उसके बाद उसने ये देखा कि ये जो ब्रेक थ्रू है उसने फौरी तौर पे उसको बेसिकली कैश करने की कोशिश की, और उसने क्या किया कि ये जान लिया कि जो न्यू डाइज उसने बनाया है इसकी कमर्शियल पॉसिबिलिटीज हैं, यानी कि इसको बेचा जा सकता है आगे। परकिन ने क्या किया कि उसका नाम शुरू में टायरेन पर्पल रखा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो चीज है वो कलर जो सा वो बन गया, माउव के नाम से मशहूर हो गया। और फ्रॉम द फ्रेंच फॉर द प्लांट यूज टू मेक कलर वायलेट, वायलेट के लिए यूज होता था वो एक प्लांट उसके नाम से, जैसे हम ऑरेंज कहते हैं तो कलर का नाम ही हमने ऑरेंज दे दिया फल के निस्बत से, इसी तरीके से माउव के नाम से वो यू इस्तेमाल होना शुरू हो गया। उसके बाद ही आस्ट एडवाइस ऑफ स्कॉटिश डाई वर्क्स ऑनर रॉबर्ट पुलर, उसने उसकी एडवाइस ली और उसने ये कहा कि डाई जो है इसकी काफी वर्थ है अगर ये इसके रंग तेज होते हैं, और उसके बाद ये कि अगर इसकी प्राइस जो है वो कम हो और इसके रंग तेज रहे तो इस पे काफी ज्यादा इसकी वर्थ है। तो उसके बाद उसके जो मेंटर यानी विलियम हॉफमैन थे उसने काफी ज्यादा उस पर ऑब्जेक्शन किया कि ये तुम किन चक्करों में पड़ गए हो, लेकिन उसने क्या किया कि केमिकल इंडस्ट्री को जन्म दिया, उसने काम ये शुरू कर दिया। अच्छा, उसके बाद अपने फादर और ब्रदर की मदद की वजह से उसने एक फैक्ट्री लगाई। ये नेक्स्ट पैराग्राफ है इसी पेज के, बिल्कुल बॉट ओपन विद द हेल्प ऑफ हिज फादर। साथ साथ ना छोटे छोटे कमेंट्स जरूर लिखते जाए हर पैराग्राफ में, ये आपको हेल्प करेंगे। अच्छा, फादर और ब्रदर की मदद से उसने एक लंदन में इंडस्ट्री लगाई। उसके बाद उसने कोल तार लिया जो बहुत सस्ता मौजूद था, उसके बाद वो बाय प्रोडक्ट था
जो स्ट्रीट लाइटिंग होती थी गैस की वहां से मिलता था। डाई वर्क्स बिगेन प्रोड्यूसिंग द वर्ल्ड सिंथेटिक डाइड मटेरियल, 1857 में ये बनना शुरू हो गया। उसके बाद कंपनी ने यकदम कमर्शियल बूस्ट, उसको बहुत ज्यादा बूस्ट मिला फ्रॉम द एम्प्रेस, फ्रांस की जो मलका थी वहां से। उसने क्या किया कि व्हेन शी डिसाइडेड द न्यू कलर फ्लैटर्ड हर, जब उसने ये देखा कि जी उसका जो नया कलर है वो उसको फ्लैटर्ड कर रहा है। यहाँ पे ना व्हेन से पहले कॉमा लगा हुआ है, ये नॉन एसेंशियल क्लॉज है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। जो मुझसे पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स उसका कोई थोड़ा सा आइडिया होगा नॉन एसेंशियल क्लॉज का क्या है। और उसके फौरन बाद माउव जो सा था वो नेसेसरी शेड बन गया, जितनी भी फैशनेबल लेडीज थी मुल्क में सारे वो माउव कलर जो सा पहनना शुरू कर दिया। जब वो मलका ने पहना था उसने पहनना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो इंग्लैंड की क्वीन थी विक्टोरिया, उसने भी उसको अप्रिशिएट किया और वो पब्लिक में पहन के आ गई एक दफा माउव कलर को। और इस तरीके से वो जो सा ना बहुत ज्यादा इंग्लैंड में भी फैल गया, फ्रांस में भी फैल गया और इंग्लैंड में भी फैल गया। और ये जो डाय था द डाय वॉज बोल्ड एंड फास्ट, फास्ट कलर उसका होता था। और एंड द पब्लिक क्लैमर्ड फॉर मोर, और लोग कहते थे इसको, उसको चाहते थे कि वो मजीद उसको उन्हें दिया जाए। परकिंग वेंट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, वापस चला गया ड्राइंग बोर्ड पे। अच्छा अब ये आखिरी पैराग्राफ इसका हो रहा है कि अगरचे परकिन की जो फेम मशहूरी थी वो अशोर्ड बाई इस फर्स्ट डिस्कवरी, उसकी फर्स्ट डिस्कवरी की वजह से हुई, लेकिन जो उसने एज अ केमिस्ट काम किया, अपनी रिसर्च आगे जारी रखी और उसके बाद दूसरे डाइज के अलावा उसने कुछ और एनिलाइन रेड के नाम से और एनिलाइन ब्लैक के नाम से 1863 में 1869 में और भी कलर्स उसने ईजाद किए। फिर उसने परकिन ग्रीन के नाम से भी एक कलर ईजाद किया। और परकिन्स सिंथेटिक डाइज डिस्कवरीज हैड आउटकम्स फार बियॉन्ड द मियरली डेकोरेटिव। अब ये सिर्फ डेकोरेशन से मुतल्लिक ही उसकी डिस्कवरीज नहीं चल रही थी, इसकी यूटिलिटीज और भी थी, इससे भी ज्यादा थी। और वो जो यूटिलिटीज थी मिसाल के तौर पे ये जो डाय था ये एक वाइटल पार्ट बन गया मेडिकल रिसर्च का मुख्तलिफ तरीकों से। मिसाल के तौर पे वो जो प्रीवियसली इनविजिबल माइक्रोब्स होते थे ना वो पहले नजर नहीं आते थे, बैक्टीरिया वगैरह। और उसके बाद ये कि जैसे बेसिली और ट्यूबरक्लोसिस, क्लोरिया और इस तरह की बीमारियों के जो बैक्टीरियाज थे, तो ये जो आर्टिफिशियल डाइज थे इनकी वजह से वो नजर आना शुरू हो गए। और प्लीजिंग परकिन, और ये आखिर में उसने ये बात की कि जी जो परकिन है वो शायद इस बात से खुश होगा कि इस वक्त दे करंट यूज इन द सर्च फॉर वैक्सीन अगेंस्ट मलेरिया, मलेरिया की जो वैक्सीनेशन हो दरियाफ्त करने की कोशिश की जा रही है तो उसमें भी उन कलर्स वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी जिसके लिए वो बिल्कुल बनाने की कोशिश की थी उसमें भी किया जा रहा है। चलें जी, थैंक यू सो मच, ये पूरी की पूरी ट्रांसलेशन होगी। आई होप सो कि आपको कुछ अब अंडरस्टैंडिंग होगी, ऐसे स्टूडेंट जो स्ट्रगल कर रहे हैं नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे, इसके बाद आप लोगों को इससे फायदा होगा।